हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल मिसो एंड स्मो व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मॉर्निंग के बजे 6 और मैं उठ गई थी 5:30। हाँ, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। तो यहाँ पे 6 बज गए हैं और मेरे एक बार घर में झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और चाय नाश्ता बना लूँगी। जब तक मैं चाय नाश्ता बनाऊंगी तब तक मितांश के पापा नहा धो के आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं चाय बना लूँगी। तो इससे पहले मैंने चाय का पानी उबालती हूँ, उसमें साथ ही मेरे लिए भी एक गिलास पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी पी लूँगी और यहाँ पर मेरी चाय भी उबल जाएगी और साथ में मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। शाम की बची हुई रोटी थी तो इसका ही मैं उपयोग करने वाली हूँ। तो जो शाम की बची हुई रोटी है उसको पहले मैं कट कर लूँगी और इसको मैं तड़का लगा दूँगी। तो आज हमारे नाश्ते में यही है। और कुछ शाम की रोटी न बची हो तो मैं पोहा बना लेती हूँ या पराठे बना लेती हूँ, ऐसा कुछ बना लेती हूँ। लेकिन आज शाम की रोटी बची हुई थी तो इसका ही उपयोग करने वाली हूँ आज नाश्ते में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी चाय बनके रेडी हो गई है और मेरा नाश्ता भी कंप्लीट हो गया है और मितांश के पापा भी नहा के आ गए हैं, क्योंकि वो 7 बजे शॉप पे चले जाते हैं। तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ के उनके लिए नाश्ता बनाना होता है। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने चाय और नाश्ता निकाल दिया है और वो चाय नाश्ता कर लेंगे और इसके बाद मैं बैठ जाऊँगी साड़ियों को फॉल लगाने के लिए। तो फ्रेंड, आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग में चाय और नाश्ता करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था और इसके बाद मैं बैठ गई थी, जो मेरा रेगुलर काम है साड़ियाँ, तो मैं साड़ियों को फॉल लगाने के लिए बैठ गई थी। अभी बज रहे हैं 10:30। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो ये मेरा काम होता रहेगा, मशीन में कपड़े धुल जाएंगे। तब तक मैं घर की जो भी क्लीनिंग है वो कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना पकाऊँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अभी क्लीनिंग की शुरुआत कर रही हूँ। वैसे भी अभी मुझे देर हो जाती है 4-5 दिन से, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारी आ गई है और अभी शादी का सीज़न भी चल रहा है। हमारे यहाँ पे कोरोना है फिर भी यहाँ पे शादी का सीज़न चल रहा है। देखते हैं आगे लॉकडाउन होता है नहीं, जो होगा तो सभी की शादियाँ बंद रहेगी, नहीं तो देखते हैं। 100 लोगों की मंजूरी दी हुई है सरकार ने, तो अभी देखते हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ पर सादा काम है, तो यहाँ पर साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही है तो मुझे करनी पड़ती है। तो मेरा मॉर्निंग का अभी काम है जो उलट सुलट हो जाता है। कभी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ पहले, तो कभी मैं खाना पका लेती हूँ, इस तरह से हो जाता है। तो आज मैं थोड़ी देर जल्दी से मेरी साड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैं क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना पकाऊँगी फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद साड़ियों को फॉल लगाने के लिए बैठ गई थी। और जो भी बर्तन है ब्रेकफास्ट के वो मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि अब घर की क्लीनिंग भी करनी है और कपड़े भी मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, साथ में मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पहले सारे बर्तन बाहर निकाल दूँगी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में और जो दोनों बैग में है वो सभी साड़ियाँ है जो मुझे फॉल लगाने हैं। तो कल परसों लगाऊँगी, जब जब टाइम मिलेगा वैसे वैसे लगाती जाऊँगी।
तो यहाँ पे मैं साड़ियों को दूसरे रूम जो मेरा स्टोर रूम जैसा है वहाँ पे रख दूँगी। कबर्ड में जगह नहीं है इतनी साड़ियों रखने की। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो ब्लाउज भी रखे हुए हैं जो मुझे वोक्स लगाने हैं, वो भी मैं शाम को लगा दूँगी क्योंकि यहाँ से मेरा काम शुरू होगा तो दोपहर के 1:30 या 2 बज जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज रख दूँगी और यहाँ पे मैं क्लीनिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लिविंग रूम की क्लीनिंग कर लूँगी और डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद जो दूसरे रूम है बेडरूम और जो मेरा स्टोर रूम है उनको तो मैंने अच्छे से पहले कंप्लीट कर लिया है क्योंकि साड़ियों करने के बाद मैं पहले इस रूम को कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो पहले मैंने इस रूम को जो स्टोर रूम है उनको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। उसके बाद मैं बेडरूम को सही कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दूंगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना पकाने के लिए। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मूंग की दाल और रोटी। तो चलो खाना पकाते हैं अभी। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में खाना पकाने के लिए और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ छिलके वाली मूंग की दाल जो खाने में बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन आज मैं हमारे लंच में यही बनाने वाली हूँ दाल और रोटी। तो फ्रेंड आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहे और वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड।
तो यहाँ पे मेरी दाल और रोटी बन के रेडी हो गई है, और जो सभी बर्तन है वो बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मितंस के पापा अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे तब तक मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर लूँगी, और अभी मैं मॉर्निंग में ही साबुन से किचन क्लीन कर लेती हूँ कंप्लीट, क्योंकि रात को बहुत गर्मी लगती है शाम के वक्त यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मितंश के पापा लंच करके चले गए हैं, और मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिया है। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे मेरा जो भी काम था मॉर्निंग का वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब आराम करने के लिए अपने बेडरूम में। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे जो नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.